होली नजदीक आते ही हरमाड़ा क्षेत्र में बजने लगे चंग, झूमने लगे लोग। होली का त्यौहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हरमाड़ा क्षेत्र में चंग की थापड़ सुनाई देने लगी है और फाग गीतों का रंग भी लोगों में चढ़ने लगा है। जगह जगह घरों में फागोत्सव भी मनाए जा रहे हैं। फाल्गुनी बयार के बीच रात तक चंग की गूंजे भी सुनाई देने लगी है। हंसी मस्ती खुशी के पर्व होली आने के कुछ दिन शेष बचे हैं, इसलिए धीरे धीरे गांव व शहरों में फाल्गुनी मस्ती छाने लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग दैनिक कामकाज के दौरान लोग फाग सुनते तो फुर्सत मिलने पर रात्रि में चंग बजाते हुए फागन गीत गाते हैं। गांव, कस्बों व शहरों में जगह जगह सुबह व शाम देर रात तक फागन के गीत सुनाई दे रहे हैं। दुकानों व घरों में फागन के बीच गीत बज रहे हैं। वहीं रात्रि में गांव के चौहाटों पर चंग की थाप कर फाग गाते युवक चंग की थापों पर देर रात तक झूमते नजर आ रहे हैं। चंग की ये थाप शीतलाष्टमी तक सुनाई देती है और लोग होली का दहन के दौरान पूरी रात चंग की थाप पर झूमते रहते हैं। आधुनिकता के चकाचौंध में नगाड़े की शोर गुम हो गई है। अब यदा कदा की नगाड़े की शोर सुनने को मिलती है। पहले होली पर्व के एक माह पहले से ही नगाड़ा बजना शुरू हो जाता था, जबकि बड़ी संख्या में लोग फाग गीत गाने जुटते थे। अब महज होली का दहन और उसके दूसरे दिन ही नगाड़ा बजता है। बदले दौर में नगाड़े का स्थान डीजे ने ले लिया है। अब लोग डीजे की धुन पर थिरकते हैं। चारों ओर फाग गवैये का मस्ती भरा शोर, स्वस्थ पारंपरिक लोकगीत लोगों के उत्साह को दुगना कर देते हैं। पर अब समय के साथ फाग गीतों की परंपरा ही विलुप्त हो रही है, वहीं पूरा जीवन शैली ही खत्म होने के कगार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव राजस्थान, जयपुर। एक नंबर।